फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर 5 ऑफ फ्लेमिंगो एंड द टाइटल इज इंडिगो. दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैड डिस्कस दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉन्टेड टू डिले द ट्रायल. इट वॉज बिकॉज देर वॉज क्राउड outside the courthouse and in that confusing situation he couldn't continue with the trial, so he wanted to postpone it. But Gandhi was not in that mood, so let us know what happened after that. And let's continue. Gandhi protested against the delay. Gandhi ne delay ko protest kiya. Protest kiya matlab uska virodh kiya ki delay kyon ho raha hai, ki wo प्रोटेस्ट करना उसके खिलाफ वो खड़े हुए अगेंस्ट हो गए कि ये देरी क्यों, कि अभी ट्रायल होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी, अपना बयान भी दिया कि वो गिल्टी है, उनकी जो गिल्ट है उसके लिए वो प्लीड कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि हाँ उनकी गलती थी. ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो शामिल थे इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज के कन्फ्लिक्ट में, कि दो उलझनों में, दो ड्यूटीज़ की उलझन में वो फंसे हुए थे. कौन सी उलझन थी? ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, कि एक तरफ तो वो एक बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते थे एज अ लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाला बनकर, कि वो लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहते थे, वो ओबे करना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ क्या करना चाहते थे, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि वो रेंडर करना चाहते थे, वो प्रेजेंट करना चाहते, वो देना चाहते थे ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमेन, मानवीय, और नेशनल देश की सेवा करना चाहते थे. फॉर विच ही हैड कम, कि वो इसी के लिए यहाँ पर आए थे. कि एक तरफ तो क्या चाहते थे कि वो लॉ भी ब्रेक ना करें, मीन्स जो लॉ ऑर्डर करेगा उसका पालन करें, लेकिन वो किसके रास्ते में आ रहा था, उससे क्या कन्फ्लिक्ट हो रहा था, मेरी दूसरी ड्यूटी का कन्फ्लिक्ट हो रहा था, कि मैं किसी आदमी की सेवा करना चाहता था और ये ह्यूमैनिटेरियन था और इसी के लिए मैं यहाँ आया था. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने और यहाँ से लीव करने का जो ऑर्डर है उसका डिसरिगार्ड किया. वो मानते थे नॉट फॉर वॉन्ट फॉर रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा नहीं था कि वॉन्ट का मतलब यहाँ है लैक, कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट नहीं था इसमें, सम्मान की कमी, ऑनर की कमी नहीं थी लॉफुल अथॉरिटी के लिए, कि ऐसा नहीं था कानून के लिए उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी. बट लेकिन एक वजह थी इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बींग, कि वो हमारा जो हमारे जीवन का जो हायर लॉ है, सबसे ऊंचा कानून है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, हमारी जो कॉन्साइंस की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है, उसको उसके प्रति ओबीडियंस रखना चाहते थे, उसको ओबे करना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग वो चलना चाहते थे, और इस वजह से वो लॉ फुल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इन दोनों ड्यूटीज़ को वो साथ साथ नहीं कर सकते थे, किसी एक ड्यूटी को उन्हें करते हुए दूसरी से कॉन्फ्लिक्ट में रहना था. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, वो कह रहे हैं वो गिल्टी हैं, उसके लिए उन्हें जो पेनल्टी है वो बता दी जाए, जो पनिशमेंट है वो बता दी जाए. द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया, ये प्रोक्लेम कराया, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, कि वो 2 घंटे की रिसेस, रिसेस मीन्स ब्रेक के बाद जो सेंटेंस है, जो भी सज़ा है वो प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस मतलब वो घोषणा करेंगे. एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और देखिए गांधी को कहा कि वो उन 120 मिनट्स के लिए बेल फर्निश करा दें, बेल सबमिट करा दें, यानी कि जमानत ले लें. गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जब उन्होंने मना कर दिया तो गांधी को उन्होंने बगैर बेल के ही छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ऐसे हालात में गांधी को रख ही नहीं सकते थे और गांधी ने बेल लेने से मना कर दिया था. When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा रिकन्वीन मीन्स दोबारा से शुरू हुआ, फिर क्या हुआ? द जज सेट, जज ने कहा ही वुड प्रोनाउंस नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो जजमेंट को कई दिनों तक नहीं सुना पाएंगे, इतने सारे लोगों की भीड़ थी वहाँ, उन्हें जजमेंट देते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं गलत जजमेंट हो
और ये लोग जो हैं फिर से डेमोन्स्ट्रेशंस पर उतर आए। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इस दौरान उन्होंने गांधी को लिबर्टी से रहने, फ्रीडम से रहने के लिए छोड़ दिया, मीन्स उन्होंने उन्हें जेल में नहीं डाला गया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार। कि ये जो सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, वहाँ के जो मेन लॉयर्स थे, वो बिहार में हर जगह से आए हुए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से कन्फर किया, डिस्कस किया, व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। गांधी आस्क्ड, गांधी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें प्रिजन में सेंटेंस मिल गया, जेल की सज़ा हो गई, वो सब क्या करेंगे, कि अगर उन्हें जेल हो गई तो वो लोग क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाई, उनमें से सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि क्यों, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो उन्हीं को एडवाइज करने और हेल्प करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, और अगर वो जेल चले जाते हैं, देर वुड बी नो बडी टू एडवाइज, कोई एडवाइस करने के लिए बचेगा ही नहीं, एंड दे वुड गो होम, तो वो घर चले जाएंगे। कहते इसका सवाल ही नहीं है, वो घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड मीन्स गांधी क्वेश्चन, गांधी ने पूछा कि फिर ये जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के अगेंस्ट, उसका क्या होगा। वो तो इनजस्टिस तो सेम रहा, उसका तो कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स जो थे आपस में कंसल्ट करने के लिए विथड्रू, थोड़ा पीछे हट गए, वो आपस में पूछने लगे, डिस्कस करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और बाद में राजेंद्र प्रसाद ने उनके बीच जो कंसल्टेशंस हुए, डिस्कशंस हुए, उसका अपशॉट, उनका जो रिजल्ट था, उसका जो कंक्लूजन था, वो रिकॉर्ड करके आया, यानी कि वो बाद में बताया कि उन्होंने आपस में क्या डिस्कशन किया, क्या उन्होंने आपस में बातचीत की जब वो पीछे हटकर बातें करने गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा अमंगस्ट देमसेल्व्स, आपस में, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी इन लोगों के लिए पूरे स्ट्रेंजर हैं, पूरी तरह से अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, तो भी वो पीजेंट्स के लिए जेल में जाने के लिए भी प्रिपेयर्ड थे, जेल में जाने को तैयार थे। इफ दे, और जबकि वे कौन, जो लॉयर्स जो आपस में बात कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ना तो केवल जो एडजॉइनिंग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके रेजिडेंट्स थे, निवासी थे, रहने वाले थे, चंपारण के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आए थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पीजेंट्स, और ये भी बड़े ही दावे करते थे, क्लेम करते थे कि उन्होंने इन पीजेंट्स को सर्व किया, इनकी सेवा की, इनके केस लड़े हैं। कि अगर दूसरी तरफ वो ऐसे बनते हैं, शुड गो होम, कि वो ही घर चले जाएं, इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन, तो ये उनका जो डिजर्शन होगा, पलायन होगा, यहाँ जाना होगा, एग्जिट होगा, ये बड़ा ही शेमफुल होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि एक स्ट्रेंजर उनकी मदद करने के लिए जेल में भी जा रहा है, जबकि वो यहाँ रुक भी नहीं सकते, और इस तरह वो गए तो वो बड़ा ही शेमफुल होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसी को सोचते हुए वो गांधी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, और उन्होंने उन्हें कहा कि वो उनको जेल में फॉलो करने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। इस बात के ऊपर गांधी ने एकदम से मुंह से निकाला कि तब तो हम चंपारण की बैटल जीत चुके हैं, ये लड़ाई जीती जा चुकी है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स, और उस ग्रुप को पेयर्स में डिवाइड कर दिया, जोड़ों में भाग बांट दिया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और वो ऑर्डर भी बता दिया, वो सीरीज भी बता दिया कि किस सीरीज में उन्हें कोर्ट अरेस्ट के लिए जाना था। अगर गांधी जो है अरेस्ट होते हैं तो किस ऑर्डर में उन्हें अरेस्ट के लिए जाना था, वो ऑर्डर भी उन्होंने पेपर के ऊपर रख दिया। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन, कई दिनों के बाद गांधी को एक रिटर्न में कम्युनिकेशन मिला, लिखित में मैसेज मिला
from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. क्या ये कम्युनिकेशन मिला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि उनके खिलाफ जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया जाए. प्रोविंस होता है उस प्रदेश का जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उन्होंने जैसे ही केस के बारे में आगे ज़्यादा फैला होगा तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, ये ऐसा कोई केस नहीं बनता क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. और इस तरीके से पहली बार मॉडर्न इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस की ट्राइम्प जीत हुई थी. सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार मॉडर्न इंडिया में जीता था, कि ये पहला मौका था जब गांधी ने इंडिया के अंदर इस तरीके से किसी भी छोटे से आंदोलन को जीता हो. क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो ऐसा कर चुके थे लेकिन इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ था. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी. अब गांधी और जो दूसरे लॉयर्स थे वो प्रोसीड कर गए, आगे बढ़ गए टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी. फार फ्लंग मीन्स काफ़ी लंबी, रिमोट इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इनटू द ग्रीवेंसीज ऑफ द फार्मर्स. जो किसान थे उनकी जो ग्रीवेंसीज थी, प्रॉब्लम्स थी, उनके इंक्वायरी के लिए वो और भी ज़्यादा गहराई से जुट गए. डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, कि लगभग 10,000 जो पीजेंट्स थे उनकी डेपोजिशंस लिख गई. डेपोजिशन मीन्स रिटन में उनसे लिखवाया गया, विटनेस बने वो, उनसे सबूत लिए गए, एविडेंस लिए गए एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस. और दूसरे जो एविडेंस थे उनके भी नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. इस अलग अलग चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. और जो गांधी के लीडरशिप में जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये लोग, ये इनकी एक्टिविटी से सारा जो एरिया था वो थ्रॉब करने लगा. थ्रॉब करने लगा मतलब हलचल पैदा हो गई, वो कांपने लगा. एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. और दूसरी तरफ किस चीज़ से थ्रॉब करने लगा एरिया, कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वेहमेंट वॉयलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके अगेंस्ट जो थे डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे कि ऐसा ये लोग क्यों करें. एक तरफ गांधी और दूसरे जो लॉयर्स थे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स जो थे जिनके खिलाफ है ये हो रहा था वो प्रोटेस्ट करते जा रहे थे. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट. जून में गांधी के पास सर एडवर्ड गेट का समन आया, ऑर्डर आया. द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही वेंट ही मेट, कि इससे पहले कि गांधी गए वहाँ से, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स. उन्होंने क्या किया, अपने जो लीडिंग एसोसिएट्स थे, लीडिंग एसोसिएट्स मतलब जो उनके जो मेन एसोसिएट्स थे, कंपेनियंस थे, साथी लॉयर्स थे जो बहुत साथ दे रहे थे उनका, उनसे वो मिले. एंड अगेन ले डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस. और फिर से डिटेल में प्लानिंग की गई, जैसे पहले उन्होंने प्लानिंग की थी सिविल डिसोबीडियंस की. सिविल डिसोबीडियंस मतलब अगर उनको प्रिजन में डाला जाता है तो वो किस तरीके से अरेस्ट होंगे, वो भी उनके वो फॉलो करेंगे. इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो आते ही नहीं है और वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना ली. गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें बुलाया था उनके गांधी के साथ चार प्रोट्रैक्टेड मतलब प्रोलोंग्ड इंटरव्यूज चले, लंबे इंटरव्यू चले, बातचीत हुई. जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट के तौर पर उसका कंक्लूजन ये निकला इंटरव्यूज का,
अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए एक ऑफिशियल कमीशन ही बिठा दिया, एक सरकारी कमीशन ही बिठा दिया इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने कमीशन ही अपॉइंट कर दिया, उसको ही लगा दिया शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशंस की इंक्वायरी के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, इस कमीशन में ये जो ग्रुप बना, ये जो कमीशन बनाया गया जो छानबीन के लिए बनाया गया था, इसमें शामिल थे लैंडलॉर्ड्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स की तरफ से थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, एंड गांधी, और गांधी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और पीजेंट्स की तरफ से सोल मतलब इकलौते ओनली रिप्रेजेंटेटिव, केवल एक ही प्रतिनिधि थे, उनकी तरफ से एक ही जो व्यक्ति लिया गया वो गांधी को लिया गया। गांधी रिमेंड, गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी चंपारण में एक शुरुआत में, इनिशियल मतलब शुरुआत में अनइंटरप्टेड पीरियड तक रहे, मीन्स जब वो राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर आए थे तो ये बीच में कमेंट करें, अभी जो वो जो इवेंट्स चल रहे थे उनके बीच में अब राइटर की कमेंट आई है कि शुरुआत में जब वो आए, शुरू में आए तो वो अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, 7 महीने तक रुके। देखिए एक आदमी ने एक ऐसे ही रिक्वेस्ट कर ली थी और उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो शुरू में ही लगातार 6 महीने रहे, अनइंटरप्टेड मतलब बीच में वापस नहीं गए, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर दोबारा से उन्होंने कुछ छोटी छोटी विजिट्स की वहाँ, इस पहले 7 month रहे और बाद में उन्होंने और भी छोटी यात्राएं की। यह चंपारण का जो पूरा इंसिडेंट है उसकी पूरी समरी बता रहे हैं। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी, कि जो विजिट उन्होंने कैजुअली ही एक सामान्य तौर पर एक एंट्रीटी, एंट्रीटी मतलब रिक्वेस्ट के ऊपर एक अनलेटर्ड पीजेंट की, और किसकी रिक्वेस्ट थी, एक अनपढ़ अनलेटर्ड किसान की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने जो विजिट की थी, इन द एक्सपेक्टेशन, इस एक्सपेक्टेशन में, इस आस में, इस होप में दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि केवल ये कुछ एक दिन तक चलने वाली है, कुछ एक दिन के लिए आए थे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, कि लगभग उसने गांधी की जिंदगी का लगभग 1 साल ले लिया, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कैजुअली आकर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का 1 साल इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए ले लिया। अब ये बीच में कमेंट आई है, फिर से उस सिचुएशन जो चल रही थी उस पर आ रहे हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, कि जो वहाँ एविडेंस था ऑफिशियल इंक्वायरी में, एविडेंस मतलब सबूत इकट्ठे हुए, वो असेंबल हुआ क्रशिंग माउंटेन। क्रशिंग माउंटेन का मतलब बहुत ही बड़ा माउंटेन, पहाड़ जैसा सबूत जो था उस इंक्वायरी में इकट्ठा हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ इनजस्टिस बहुत पहले से हो रहा था। और ये किसके खिलाफ सबूत थे, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, प्लांटर्स मतलब जिनके बड़े प्लांट वहाँ थे या बड़ी बड़ी एस्टेट्स थी, ये भी लैंडलॉर्ड्स के लिए वर्ड आया है। तो यहाँ आपने देखा बेटे, लैंडलॉर्ड्स के लिए कुछ एक वर्ड्स हैं, एस्टेट ओनर्स हैं, प्लांटर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, और किसानों के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, जैसे कि पीजेंट्स आया है, शेयर क्रॉपर्स आया है, टेनेंट्स आया है, योमैन आया है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए आए हैं। एंड व्हेन दे सॉ, कि जब वो उस कमीशन ने बहुत ज़्यादा सबूत जुटा लिए, एंड व्हेन दे सॉ दे एग्रीड, और जब उन्होंने ये देख लिया, जिसमें लैंडलॉर्ड भी शामिल थे, अफसर भी शामिल थे, जब सब ने देखा तो वे सहमत हो गए, वो सब एग्री कर गए इन प्रिंसिपल, कि नियम के अनुसार टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको रिफंड करने के लिए, वापस पैसे देने के लिए
कि जो भी उनसे गलती से पैसे लिए गए हैं वो रिफंड करने के लिए तैयार हो गए, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी. उन्होंने गांधी से पूछा, लेकिन हम कितना पे करें, कि कितना फिर पे करें हम, कि सारा करें, कैसे करें? तो ये उन्होंने गांधी से पूछा. जस्ट वेट अ मिनट. तो ये गांधी से उन्होंने पूछा कि उन्हें कितना रिफंड करना चाहिए, क्या सारा का सारा पैसा दें? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल. उन्होंने सोचा था कि गांधी जी रीपेमेंट की फुल में डिमांड करेंगे. द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो पैसा उन्होंने इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल तरीके से और डिसीटफुली और धोखे से एक्सटॉर्ट किया था, उनसे निकाला था, इनसे शेयर क्रॉपर से गलती से धोखे से निकाला था और गलत तरीके से निकाला था. उन्होंने सोचा कि गांधी फुल पेमेंट की डिमांड करेंगे, कि पूरा पैसा चाहेंगे. ही आस्ट ओनली 50%. गांधी ने फिर भी कहा कि केवल उसका 50% दे दो. देयर ही सीम्ड एडमेंट, लेकिन यहाँ ऐसा लगा कि वो एडमेंट हो गए थे, फिक्स हो गए थे, वो बिल्कुल जम गए थे कि इतना तो देना ही पड़ेगा. राइट्स रेवरेंट जे जेड वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, कि ये बात किसने बताई है राइटर को, जो उन्होंने बताई है, हमें बताई है, कि ये राइटर को बताई थी जे जेड हॉज, एक ब्रिटिश मिशनरी थी. मिशनरी मतलब धर्म प्रचारक थे चंपारण में, जो उस समय रहते होंगे. उन्होंने राइटर को बताया कि ऐसा लग रहा था गांधी उस बात पर अडिग हो गए थे. हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, और इस आदमी ने पूरे की पूरी घटना को बड़ी ही बारीकी से क्लोज रेंज से देखा था. उन्होंने कहा कि गांधी जो थे यहाँ आकर जम गए थे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, और शायद ये सोचते हुए कि वो गिव वे नहीं करेंगे, मीन्स वो आगे नहीं बढ़ेंगे. जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, लैंडलॉर्ड्स की तरफ से जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ऑफर किया कि वो 25% की एक्सटेंट तक, हद तक तो देने के लिए तैयार है. उन्होंने सोचा था कि गांधी नहीं मानेंगे और ये फैसला जो है फिर से कोर्ट में चला जाएगा और फिर से इसके ऊपर जो ये स्टैंड ऑफ है वो हो जाएगा. एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी, बड़े ही हैरानी की बात है, गांधी ने उनकी बात को मान लिया. दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और ये जो डेड लॉक हो गया था, डेड लॉक मतलब ये बिल्कुल एक जगह जो स्थिति जम गई थी, उस डेडलॉक को उन्होंने तोड़ते हुए कहा कि ठीक है, आप जो है 25% ही दे दीजिए. गांधी को लगा कि जो पैसा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उन्होंने ये माना कि उनकी गलती है. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, कि जो पूरा कमीशन था जिसमें जितने भी लोग थे, सब ने इस सेटलमेंट को, इस समझौते को यूनैनिमसली मान लिया. यूनैनिमसली मतलब एक मत से सबने सहमति दी इसमें. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट. गांधी ने जब ये पूछा गया कि 25% में वो क्यों मान गए, तो उन्होंने कहा कि जो रिफंड का अमाउंट था वो कम इम्पोर्टेंट था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जितना ये बात, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो ऑब्लाइज हुए थे. ऑब्लाइज मतलब उन्हें करना पड़ा था सरेंडर, सरेंडर मतलब देना पड़ा था पार्ट ऑफ द मनी, उस पैसे का हिस्सा देना पड़ा था जो उन्होंने लिया था, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ उनकी प्रेस्टीज, जो उनका ऑनर था, उसका भी कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ा था. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, इसलिए जहां तक किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, क्योंकि इससे पहले जो प्लांटर्स थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने
वो लॉर्ड्स की तरह, भगवान की तरह बिहेव करते थे, जैसे वो भगवान है और ये आम इंसान है, अबव द लॉ। पर ऐसा लगता था जैसे वो कानून से भी ऊपर हैं, जो वो कह देते थे उन्हें वही करना पड़ता था। नाउ द पीजेंट्स सॉ, अब पीजेंट्स ने देख लिया, किसानों ने देखा दैट ही हैड राइट्स, कि उनके भी राइट्स हैं, कि कोई भी किसान जो था वो समझ गया था कि उसके अपने अधिकार हैं एंड डिफेंडर्स, उनके भी डिफेंड करने वाले, बचाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। ही लर्न करेज, और इस तरीके से एक आम किसान ने करेज सीख लिया था, साहस करना, हिम्मत करना सीख लिया था। और ये बड़ी बात थी, 25% रिफंड हो या 100% रिफंड हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और इन घटनाओं के कारण गांधी की जो पोजीशन थी, मींस वो 25% पे क्यों माने, जो आगे घटनाएं घटी उनसे वो जस्टिफाई भी हो गया, वो सारा जो था वो साबित भी हो गया। क्यों? विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, और जब ऐसा हो गया उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही सारे जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, बड़े बड़े एस्टेट ओनर्स थे, उन्होंने अपनी एस्टेट्स अबैंडन कर दी, लीव कर दी, छोड़ दी, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि पीजेंट्स को रिवर्ट कर दी गई, वापस लौटा दी गई, जहाँ जो उनको खेती करता था उन्हीं को दे दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर, और इंडिगो का जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था वही डिसअपीयर हो गया, वही अबोलिश हो गया, वही गायब हो गया, क्योंकि जो लैंड थी वो जो वास्तव में फार्मर्स थे उन्हीं को मिल गई थी। अब कोई भी उनके अलावा वहाँ पर लैंडलॉर्ड नहीं था जो उनको एक्सप्लॉइट कर सके। गांधी नेवर, यहाँ तक हमने कर लिया है, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी ने कभी भी अपने आप को ये संतुष्ट नहीं पाया कि वो बड़े बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस ही करेंगे, कि इतना बड़ा राजनीतिक और आर्थिक यानी के पैसे से जुड़ा हुए सॉल्यूशन करेंगे उसी से वो संतुष्ट नहीं होते थे। वो सिर्फ उनकी शेयर क्रॉपर्स की सॉल्यूशन करके ही उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस, उन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में लोग सोशली और कल्चरली बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, वो सामाजिक रूप से कल्चर उनका ऐसा था कि वो पिछड़े लोग हैं, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके लिए तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील किया, रिक्वेस्ट किया, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल, तो दो आदमी थे जिन्होंने गांधी के डिसिपल के तौर पर, शिष्यों के तौर पर उनके आश्रम में अभी अभी ज्वाइन किया था, जो थे महादेव देसाई और नरहरि पारेख, वो यंग मैन थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ्स भी साथ में आई, वॉलंटियर फॉर द वर्क, उन्होंने इस काम के लिए वॉलंटियर करने के लिए वो हाँ कर दी, मीन्स वो अपनी मर्जी से तैयार हो गए ये काम करने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, कुछ दूसरे लोग भी आए जो बॉम्बे से थे, पूना से थे, और जो दूर इस देश के लैंड का मतलब यहाँ लगेगा इंडिया के, जो दूसरे हिस्सों से, जो दूर के हिस्सों से लोग थे वो भी आए, और उन्होंने गांधी की अपील को माना कि वो भी यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार हैं। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, गांधी का जो आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटे, देवदास गांधी के जो सबसे छोटे बेटे थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आए, एंड सो डिड मिसिस गांधी, और इसी तरह मिसिस गांधी भी आई, मिसिस गांधी मतलब मिसिस कस्तूरबा गांधी जो गांधी की वाइफ थी वो भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 villages, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबा गांधी ने उन्हें
पर्सनल क्लीनलीनेस के ऊपर जो उनके आश्रम में रूल थे वो सारे समझा दिए। पर्सनल क्लीनलीनेस मतलब अपनी खुद की व्यक्तिगत सफाई, स्वच्छता एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और कम्युनिटी की जो सैनिटेशन थी, जो समाज की अपने समुदाय की जो सैनिटेशन की सफाई थी, उसके भी रूल समझाए। तो आप देख सकते हैं बेटे, गांधी को स्वच्छता के लिए क्यों जाना जाता। आपने अभी स्वच्छ भारत अभियान जब गांधी के बर्थ के ऊपर चालू किया गया तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों चालू किया गया, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। सिर्फ वो शेयर क्रॉपर्स की सिस्टम जो समस्या थी वही नहीं मानते थे, वहाँ के लोगों की जो पर्सनल क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने वहाँ समझी थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ की हेल्थ कंडीशंस भी मिजरेबल थी, बुरी थी, दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स। गांधी को एक डॉक्टर मिल गए जो 6 महीने के लिए अपनी सेवा देने के लिए, सर्विस देने के लिए उस इलाके में तैयार हो गए, वॉलंटियर कर गए। वॉलंटियर होता अपनी मर्जी से कोई काम करना, और ज़्यादातर ये सोशल सर्विस होती है। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ ही अवेलेबल थी उस वहाँ पर, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कि ये जो 3 सिंपल सी दवाइयाँ थी उन्हीं से ज़्यादातर इलाज हो जाता था उनका। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग, जिसको भी कॉटेड टंग की दिक्कत होती थी, कॉटेड टंग मीन्स जो उनकी जीभ खराब होती थी, उनका टेस्ट खराब होता था, वॉज अ गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। उनको कैस्टर ऑयल की एक डोज दे दी जाती थी, अरंडी का जो तेल होता है। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया बुखार होता था उनको कैस्टर ऑयल की डोज के साथ एक कुनीन की डोज भी दे दी जाती थी। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, अगर किसी को स्किन इरप्शंस होती थी, स्किन में कोई फोड़े फुंसी हो जाते थे, तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो उन्हें ऑइंटमेंट दिया जाता था, ऑइंटमेंट क्या, सल्फर का जो ऑइंटमेंट था, लेप था, प्लस कैस्टर ऑयल, प्लस उसके साथ कैस्टर ऑयल की एक डोज दी जाती थी। इस तरह 3 इन सिंपल दवाइयों से ही सभी बीमारियों का इलाज किया जाता। उस समय इतनी ज़्यादा मॉडर्न दवाइयाँ अवेलेबल ही नहीं थी। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, गांधी ने नोटिस किया कि वहाँ की जो औरतें हैं उनके कपड़ों की जो स्टेट थी वो फिल्थी थी, मतलब वो अच्छी स्टेट में नहीं थे। ही आस कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई से पूछा कि वो इस बारे में उनसे बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई एंड सैड और कहा, लुक देर इज नो बॉक्स और कबर्ड, कि देखिए या ना तो कोई बॉक्स है ना कबर्ड है हियर फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए, कि मेरे पास कोई बॉक्स कबर्ड है ही नहीं कि जिसमें कपड़े हों। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वही इकलौती साड़ी मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि आप क्लीनलीनेस की बात करते हैं, हमारे पास उसके लिए क्लोथ्स ही नहीं है। तो वहाँ पता लगा गांधी को कि कितनी बुरी दशा है उनकी इकोनॉमिक। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने लंबे स्टे के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी ने आश्रम के ऊपर भी दूर से डिस्टेंट वॉच रखा, दूर से ही निगरानी रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, उन्होंने मेल के द्वारा, मेल मतलब डाक के द्वारा, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस वहाँ भेजे, रेगुलर वहाँ पर उन्होंने हिदायतें दी। आज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछा कि क्या वहाँ जो खर्चा है वो चल रहा था। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंस, अब इसी का एक एग्जाम्पल दे रहे कि कितना उन्होंने ध्यान रखा कि एक बार तो उन्होंने रेजिडेंट्स को, आश्रम के रेजिडेंट्स को लिखा, लेटर में लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, कि अब समय आ गया है, पुरानी टॉयलेट की जो ट्रेंचेस थी उनको खाइयाँ थी, उस टाइम सीवर सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ गड्ढे बनाए हो गए होंगे, तो उन ट्रेंचेस को भर दिया जाए, अब टाइम आ गया है
and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो देखिए कि उन्होंने ये तक ध्यान रखा कि अब टॉयलेट की जो ट्रेंचेस हैं उनको भरने का टाइम आ गया है और नई खोदने का, डिग करने का टाइम आ गया है, ताकि पुरानी वालियों जो हैं वो भर दी जाए, और नहीं तो पुरानी वाली जो है वो स्मेल करने लगेंगी, बुरी स्मेल उनमें हो जाएगी, इससे पहले नई ट्रेंचेस को बना देना चाहिए। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातों का भी वो ध्यान रखते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन्स नया मोड़ लेकर आया। यहाँ पर पहली बार उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस दिखाया था, यहीं से फिर से उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई थी, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा राइटर को कि जो मैंने किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, कि वो बड़ी ही ऑर्डिनरी चीज़ थी, कॉमन चीज़ थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था इस इन इवेंट्स के द्वारा कि ब्रिटिश लोग जो है उनके खुद के देश में उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, उनकी बातों को तो मानना ही पड़ेगा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन चंपारण की शुरुआत जो थी वो विरोध के तौर पर, विरोध के काम के तौर पर नहीं हुई थी, वो तो उन लोगों की बस मदद करना चाहते थे। इट ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, ये जो पूरा घटना थी, एपिसोड था, ये तो एक कोशिश से शुरू हुआ था, टू एलिविएट टू डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंस। क्या क्या अटेम्प्ट थी उनकी, ताकि एलिविएट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंस थे, बड़ी संख्या में गरीब किसान थे, उनकी जो डिस्ट्रेस थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, दुर्दशा थी, मिजरेबल कंडीशन थी, उसको इम्प्रूव किया जाए, इस कोशिश में ये शुरू हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी का टिपिकल पैटर्न था। टिपिकल मतलब स्पेशल गांधी का पैटर्न था, स्टाइल था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं थी कि जो आमतौर पर लोग करते हैं, बल्कि वो इंटरवाइंड थी, वो कनेक्टेड थी लोगों की जो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स थी। मिलियंस मीन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट ए लॉयलिटी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वो उनकी जो वफादारी थी वो एब्स्ट्रैक्शंस से नहीं थी। यहाँ एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब है कि खोखले आदर्शों से, कोरी बातों से उनकी कोई वफादारी नहीं थी, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में विश्वास रखते थे। इट वॉज अ लॉयलिटी ऑफ लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी जो वफादारी थी जीवित मानवों से थी और उनकी समस्याओं से थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ वहाँ गांधी ने किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने एक फ्री इंडियन को मोल्ड करने की, ढांचे में डालने की कोशिश की, एक नए आजाद भारतीय व्यक्ति को शेप देने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से इंडिया को आज़ाद करा सकता था। देखिए गांधी ने अकेले कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अन्याय के खिलाफ उन लोगों को खड़े होना सिखाया, और इस तरीके से उन्होंने आज़ाद लोगों को एक नई शेप दी, और ये जो था ये बहुत ही बड़ी बात थी। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रायर्स एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा केम टू बिड गांधी फेयरवेल, कि जब चंपारण का जो सारा एक्शन था उसकी शुरुआत थी, अर्ली उसकी शुरुआत ही चल रही थी, तो चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज, देखिए यहाँ पिक्चर है इनकी,
एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट वो आदमी होता है जो पीस में बिलीव करता है और उसके लिए कोशिशें करता है। ये एक मिशनरी थे, ये भी एक धर्म उपदेशक थे जो बहुत जगह गए हैं। और गांधी हु बिकेम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, और ये महात्मा गांधी के डिवोटेड फॉलोअर बन गए थे, बहुत ही ज़्यादा उन पर उनके डिसिपल बन गए थे, विश्वास करने वाले बन गए थे। वो केम टू बिड गांधी फेयरवेल। तो जब चंपारण की घटना चल ही रही थी तो वो गांधी को फेयरवेल कहने आए, बाय कहने आए थे बिफोर गोइंग टू अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। क्योंकि वो मिशनरी थे तो वो फिजी आइलैंड में ड्यूटी टूर ऑफ ड्यूटी पर जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे। इससे पहले वो गांधी से मिलने आए थे और तब चंपारण की घटनाएं चल रही थी। गांधी के जो लॉयर दोस्त थे उन्होंने सोचा इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि ये अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयूज अगर चंपारण में ही रहें, फिजी आइलैंड ना जाएं, एंड हेल्प देम और उनकी सहायता करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयूज भी विलिंग थे, एंड्रयूज भी चाहते थे कि वो मदद करेंगे इफ गांधी, अगर गांधी क्या होते हैं एग्रीड, अगर गांधी जो हैं वो सहमत होते हैं तो वो भी सहायता करने के लिए तैयार थे। उन्होंने भी ये कहा कि वो भी मानते हैं, बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जो थे वो इसके खिलाफ थे, उन्होंने मना कर दिया इसके लिए। ही सेड, उन्होंने कहा यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। कि आप लोग ये सोचते हैं कि ये तो अनइक्वल फाइट है, अनइक्वल ही भी है ही है, क्योंकि एक तरफ तो पुअर पीजेंट्स हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े प्लांटर्स हैं, कि ये जो फाइट चल रही है इसमें हेल्पफुल होगा कि अगर एक अंग्रेज हमारी साइड हो जाता है तो ये हेल्पफुल हो जाएगा, लड़ाई तो हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे तो बस ये पता लगता है कि तुम जो काम कर रहे हो उससे उसमें वीक फील कर रहे हो, वीकनेस है तुम्हारे अंदर। द कॉज जस्ट, ये मान लो कि ये जो जिस लड़ाई के हम लड़ रहे हैं ये कारण जस्ट है, जस्ट का मतलब सही है, न्याय संगत है, एंड यू मस्ट रिलाय ऑन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और इस सच्चाई की लड़ाई में तुम्हें रिलाय करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा अपने आप पर, अगर तुम्हें बैटल को जीतना है। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, कि तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में एक प्रॉप नहीं ढूंढना चाहिए, एक सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए, एक हेल्प नहीं ढूंढनी चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। केवल इसलिए कि वो एक अंग्रेज है इसलिए हम उसमें सहायक ढूंढने लग जाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो हम कमज़ोर महसूस करेंगे, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। उनकी इस बात के ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि सही बात कह रहे थे वो, उन्होंने हमारे दिमागों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं था क्योंकि हम गलत थे, सच में हम सपोर्ट चाह रहे थे। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। राजेंद्र प्रसाद ने ये माना कि इस तरीके से गांधी ने सेल्फ रिलायंस का जो लेसन था, पाठ था, वो हमें सिखाया। सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। क्या? कि हमें किसी और का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। कि आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी और शेयर क्रॉपर्स की मदद, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, वो अलग नहीं थी। अगर वो सेल्फ रिलायंट होते लोग तो भारत में आज़ादी आती, शेयर क्रॉपर्स की मदद भी हो जाती, तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी और ये गांधी ने करके दिखाया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। And now I'm giving you these questions. These are given in your notebook. In between the text, these questions are given and you have to find out the
answers. So, bye-bye.